हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशांत कुमार हियर टू डिस्कस अबाउट द बेसिक इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक। हमने इससे पहले स्पीड एंड वेलोसिटी डिस्कस कर रखा है, यूनिट एंड डायमेंशन कर रखा है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर रखा है, वर्क पावर एनर्जी डिस्कस कर रखा है, मास एंड डेंसिटी अब स्टार्ट होने वाला है, उधर आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। अगर इससे पहले हम बात करें तो हमने एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, ओम्स लॉ, कूलम्स लॉ, करंट डेंसिटी, हमने इलेक्ट्रिसिटी में ये सब टॉपिक कवर कर रखे हैं, कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए हैं, सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन रेजिस्टेंस में कवर किया है, न्यूमेरिकल भी बनाए हैं, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको बेसिक यूनिट एंड डायमेंशन, स्पीड एंड वेलोसिटी, वो सब लेक्चर आपको देखने हैं, बेसिक साइंस के लेक्चर देखने हैं, तो आप वहाँ पर जाए, प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और वीडियो को पढ़ सकते हैं। बात की जाए इलेक्ट्रिसिटी में, तो इलेक्ट्रिसिटी में भी हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जब मेरा थ्योरी कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मैं इस चैप्टर के लास्ट में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, एग्जांपल को कम से कम 60 से 70 एग्जांपल्स दिए गए हैं, मैं उसको कम्प्लीट कराता हूँ, तो प्लीज़ आप उन सबको ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन पढ़ना तो ज़रूरी है, उसके साथ अगर क्वेश्चन नहीं कीजिएगा तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस के आप एग्जाम में इसको सही नहीं कर सकते हैं। अगला मेरा टॉपिक है केमिकल इफेक्ट, रासायनिक प्रभाव। अम्लीय विलयनों में से बात करते हैं केमिकल इफेक्ट। हमने इससे पहले गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर और एमीटर डिस्कस कर दिया है, अब बात करेंगे केमिकल इफेक्ट की। तो केमिकल इफेक्ट में क्या है जी, केमिकल इफेक्ट क्या होता है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, एक सेल के बारे में पढ़ेंगे। और क्योंकि सेल क्या है, जो हमारा केमिकल एनर्जी जो स्टोर करता है, वो कौन सा डिवाइस है जी, तो सेल है, बैटरी है। आपको भी पता है रेलवे के बहुत सारे कंपार्टमेंट में बैटरी लगे रहते हैं, बड़े बड़े बैटरी लगे रहते हैं, क्यों लगे रहते हैं, क्योंकि हमें सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी है, सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी है, तो केमिकल एनर्जी हम क्या करते हैं, उनमें स्टोर करते हैं और उसका यूज करते हैं। अब उसको एक्सप्लेन, उसको समझने के लिए हमको केमिकल इफेक्ट पढ़ना पड़ेगा, तो वहीं हम केमिकल इफेक्ट अभी पढ़ेंगे। बोल रहा है अम्लीय विलयनों में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में घुले पदार्थ अपने अवयव में विभाजित हो जाते हैं। बोल रहा है अम्लीय विलयन में विद्युत धारा जब प्रवाहित कीजिएगा, तो मान लीजिए जो पॉजिटिव होगा, जैसे H2SO4 की बात की जाए, H2SO4 की बात की जाए, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे करंट पास होगा, H क्या हो जाएगा, प्लस H हो जाएगा, और SO4 डबल माइनस क्या हो जाएगा जी, अपने अवयव में टूट जाएगा। यह विद्युत धारा का रासायनिक प्रवाह कहलाता है, ये क्या है जी, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है, केमिकल इफेक्ट यही है जी, केमिकल इफेक्ट यही है इलेक्ट्रिसिटी का। अब देखिए यहाँ पे दिखा रखा है, एक कैथोड है, एक एनोड है, एनोड क्या है मेरा पॉजिटिव है, कैथोड मेरा निगेटिव है, यहाँ पे क्या है जी, अम्लीय विलयन H2SO4 है, विद्युत अवगत बोल रहा है, इसमें क्या होगा, जैसे ही करंट पास होगा तो क्या होगा, ये विलयन में जो भी एच प्लस होगा अलग हो जाएगा, और SO4 डबल माइनस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यही यहाँ पे डिस्कस दिखा रखा है, ये क्या है जी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब क्या है जी, जो कोई भी एक सेल हो सकता है, बैटरी हो सकती है, क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव सेल है बात कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस जो क्या होता है, अपने में डिवाइड हो जाएगा, चाहे कितना वोल्ट की ये बैटरी लगी हो, बड़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा इफेक्ट देगा, अगर लो वोल्ट की बैटरी रहेगी तो क्या होगा, लो इफेक्ट दिखेगा। तो हम लोग केमिकल इफेक्ट में इतना पढ़ने का, उसके बाद इसका नोट करेंगे जी, कौन कौन से पॉइंट हैं, इसकी खोज किसने किया था, तो माइकल फैराडे ने किया था जी। माइकल फैराडे की बात करें तो एसी करंट का भी इन्होंने डिस्कवर किया था। आप इससे पहले वाले एसी और डीसी में हमने कंपेयर किया था, उस वाले वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमने एसी और डीसी में कंपेयर किया था, तो हमने एसी और डीसी के बारे में हमने 15 से 20 पॉइंट नोट किए थे और उसको समझने की कोशिश किया था। वैसा विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, विद्युत अवघट कहलाता है। देखिए अब ऐसा विलयन है जिसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो विद्युत अवघट्य नहीं होगा, मतलब विद्युत को पास होने के बाद क्या होना चाहिए, अवघट्य होना चाहिए, टूटना चाहिए उसके अणु में, अगर नहीं टूटता है तो क्या है, विद्युत अवघट्य नहीं है। विद्युत अवघट्य में धारा प्रवाह धनायन और ऋणायन के कारण होता है। बोल रहा है विद्युत अवघट में जो धारा का प्रवाह है, मान लीजिए करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, तो करंट क्यों फ्लो किया, क्योंकि इसके आयंस टूटे, और आयंस टूटने की वजह से क्या होता है, चार्ज हुआ, ये चार्ज हुआ पॉजिटिव निगेटिव। और आपको भी पता है कि इलेक्ट्रिकल में जब भी बात करते हैं तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नेसेसरी है करंट के लिए, इलेक्ट्रॉन ऑफ मूवमेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें सेमीकंडक्टर में, नोट कीजिएगा, बात करें सेमीकंडक्टर में यानी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज में जो करंट पास करता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मूवमेंट ऑफ होल, देखिए वहाँ पे निगेटिव को क्या बोलते हैं जी, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं, तो वहाँ दोनों से क्या होता है जी,
होल से और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से क्या होता है जी, करंट फ्लो करता है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में जब भी डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिकल डिवाइस में जब भी बात करेंगे, तो यहाँ करंट कैसे फ्लो होगा, तो आपको केवल इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तापमान बढ़ने पर वैद्युत अवघट प्रतिरोध घटता है और चालकता बढ़ती है। बोला है तापमान बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, वैद्युत अवघट का प्रतिरोध घटता है जी और चालकता बढ़ती है, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें कंडक्टिविटी बढ़ेगी। जिस बर्तन में वैद्युत अवघट की क्रिया होती है उसे विद्युत अवघटनी सेल या इलेक्ट्रोलाइट सेल या वोल्टामीटर कहते हैं जी। वोल्टामीटर क्या है जी, बैटरी। इलेक्ट्रोलाइट सेल क्या है जी, बैटरी। यही हम लोग इसी सेल को सेल बोलते हैं जी, इसी सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, वोल्टामीटर बोलते हैं। तो ये सब क्या हुआ, हमने केमिकल इफेक्ट पढ़ा, किस पे पढ़ा जी, तो एक जो सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी है उसके बारे में हमने पढ़ा। क्या पढ़ा जी, केमिकल इफेक्ट पढ़ा। तापमान बढ़ने से वैद्युत अवघट का प्रतिरोध घटता है। बोल रहा है कि तापमान अगर बढ़ेगा तो वैद्युत अवघट का प्रतिरोध घटता है, जिससे क्या होती है, चालकता बढ़ती है। जिस बर्तन में वैद्युत अवघट की क्रिया होती है उसे वैद्युत अवघटनीय, सॉरी ये दोनों पॉइंट फिर से दोबारा लिख दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैराडे का वैद्युत अवघट का नियम, अब बात करते हैं भाई, अब वैद्युत अवघट नियम तो हमने पढ़ रखा कि टूट जाता है, तो उससे फायदा क्या होगा। देखिए बात की जाए, वैद्युत अवघट की क्रिया कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान एम अवघट से प्रभावित चार्ज क्यू के समानुपाती होता है। बोल रहा है जो कैथोड पे जो मास जो जमा होगा, कैथोड पे क्या होगा जी, मास तो जमा होगा ना, कैथोड मेरा क्या है, नेगेटिव है, तो उससे पॉजिटिव जो चार्ज होगा जमा होने लगेगा। तो बोल रहा है कि वो जो जमा होगा वो किस अमाउंट में होगा, तो जो चार्ज फ्लो करेगा उसके डायरेक्टली क्या हो जाएगा, समानुपाती होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, क्यू है, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, आई टी। तो एम बराबर क्या हो गया, अब प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट लगा लीजिए, जेड आई टी हो गया। तो जेड क्या है जी, धातु का विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। क्या है जी, धातु का विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। 1 फैराडे बराबर होता है 9650 कूलम होता है, इसको याद रखिएगा, 9650 कूलम होता है। इसको हमको क्या हो सकता है, जब हमको डेटा ट्रांसफर कर सॉरी यूनिट कन्वर्जन करना होगा तो हम क्या करेंगे, उसमें हम यूज करेंगे 1 फैराडे बराबर 9650 कूलम जी। बात करते हैं, फैराडे ने रूल दिया था, तो फैराडे से क्या हुआ जी, फैराडे में और हमने कूलम में एक कंसेप्ट पढ़ा, क्या पढ़ा जी, तो फैराडे का विद्युत अवघट का नियम पढ़ा, और इसी को हम लोग क्या करेंगे जी, अप्लाई करेंगे। रासायनिक प्रभाव पर आधारित उपकरण, अब केमिकल इफेक्ट तो पढ़ लिए, लेकिन केमिकल इफेक्ट हमारे लिए नेसेसरी है नहीं, इसका इम्पोर्टेंस तब समझ में आएगा ना जब हम इससे कुछ ना कुछ अपने बेनिफिशियल वर्क करेंगे। तो बेनिफिशियल वर्क में क्या किया जी, रासायनिक प्रभाव का आधारित उपकरण क्या है जी, मेरे पास सेल है, बैटरी है। विद्युत लेपन किया जाता है, विद्युत लेपन का मतलब क्या होता है जी, उस पर क्या किया जाता है, एक मेटल है जिसे आयरन है, वो क्या होता है, जंग लग सकता है, तो उस पर अगर हम जिंक का अगर या क्रोमियम का या कोई ऐसा भी मटेरियल जो हम उस पर प्लेट क्या कर सकते हैं, उस पर चादर उसका उस पर अगर फिक्स कर दें तो क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा जी, इरोजन या उसमें जंग लगने की प्रोसेस क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हमको विद्युत लेपन करना पड़ता है। धातु निष्कर्षण में किया जाता है जी, धातु निष्कर्षण मतलब क्या है जी, रॉ मटेरियल से क्या जाएगा, उसको प्योरीफाई किया जाएगा, उसको प्योर फॉर्म में लाया जाएगा। विद्युत मुद्रण किया जाता है, सेल और ध्रुवता ज्ञात करने में किया जाता है। केमिकल इफेक्ट किया जी, अब कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, ये भी इसको भी तो मेन इसी का ही पर्पस है। तो रासायनिक ये क्या है, केमिकल इफेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं जी, ये मेरा क्या था इसका, अब कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो हमने यहाँ पे जब तक अप्लीकेशन नहीं समझेंगे किसी भी चीज़ का, तब तक हमको नहीं समझ आएगा। बात करते हैं विद्युत लेपन का, तब विद्युत लेपन होता कैसे है, ऐसे हमने इससे पहले भी जो केमिकल इफेक्ट में हमने एग्जाम्पल लिया था विद्युत लेपन का ही लिया था। आप समझिए, विद्युत लेपन को समझने के लिए बहुत छोटी सी बात है कि हम एक बैटरी लेंगे, ये मेरा क्या है जी, इलेक्ट्रोलाइटिक वोल्टामीटर या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था वहीं है। देखिए ये मेरा कैथोड है, ये मेरा क्या है, एनोड है। इसके क्रॉस हमने क्या किया, एक हाई वोल्टेज का बैटरी लगाया। देखिए ये ऐसा सिंबल रहेगा तो हाई वोल्टेज है जी, ऐसा सिंबल रहेगा तो हाई वोल्टेज है। सिंबोलिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है आपको चैप्टर, तो प्लीज याद रखिए जो जो भी सिंबल यूज किया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। सिंबोलिक रिप्रेजेंटेशन आपको इलेक्ट्रिकल का भी पढ़ना है, मैकेनिकल का भी पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पढ़ना है, तो प्लीज जब भी कोई सिंबल है उसको ध्यान से देखिएगा। बात किया जाए तो ये एनोड है, एक कैथोड है, ये मेरा मेटल है। बात की जाए तो जिंक
सल्फेट का एक एक्वस सोल्यूशन लिया गया है, तो इसमें क्या होगा जी, जिंक के आयन और सल्फेट के आयन रहेंगे यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे देखिए, जिस धातु का परत चढ़ाना होता है, जिस धातु का परत चढ़ाना होता है उसका एनोड लेते हैं। मान लीजिए ये जिंक का मेटल लिया गया है, हमको क्या करना है जी, इसका प्लेट चढ़ाना है जिंक का, इस पे तो कैथोड है ये मेरा, तो जिस पर चढ़ाना होता है उसको कैथोड लेते हैं। अब मान लीजिए इस कॉपर के मेटल पे हमको क्या था, मेटल पे चढ़ाना था जिंक का प्लेट चढ़ाना था, अगर मान लीजिए आयरन होता तो जिंक का चढ़ा देते तो क्या होता जी, ये जंग नहीं लगेगा, तो ये मान लीजिए आयरन का रड ले लिए, ये जिंक वाले यहाँ पे है। अब बोल रहा है फिर इसी धातु का विद्युत अपघट्य भी लेते हैं, तो जिंक सल्फेट ले लिए हम, जब अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जब विद्युत धारा यहाँ से चलेगी तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो क्या है जी, ये पॉजिटिव है तो क्या करेगा, ये निगेटिव है तो ये निगेटिव जो है तो क्या करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो जेड इसमें पॉजिटिव कौन है, जेड एन प्लस टू है, तो जेड एन प्लस टू क्या होगा इस पर जमा होने लगा, और इस पर जो जमा होगा उसका अमाउंट क्या होगा, जो इसमें चार्ज होगा, जो इसमें जितना चार्ज फ्लो करेगा, जितना करंट फ्लो करेगा उतना अमाउंट क्या होगा जी, जमा होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हमने यही तो पढ़ा फैराडे का विद्युत अपघट्य में। तो यहाँ पे जिंक जमा होने लगा, जैसे ही जिंक जमा होगा हमारा काम आसान हो गया, हम तो यही करना चाह रहे थे जी, विद्युत लेपन में क्या करते, एक मेटल का लेयर दूसरे मेटल के लेयर पे चढ़ाना ही तो चाह रहे थे। एनोड प्लस लेते हैं, जिस पर चढ़ाना होता है उसका कैथोड निगेटिव लेते हैं, कैथोड हमने निगेटिव लिया, फिर इसी धातु का विद्युत अपघट्य भी लेते हैं, विद्युत अपघट्य किसके लिए, जिंक सल्फेट के लिए, जब अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो एनोड का धातु विद्युत अपघट्य में तथा अपघट्य से कैथोड पर जमा होने लगता है, क्या हो जाए, कैथोड पर जमा होने लगा, जबकि धातु कैथोड पर जमा होता है, धातु किस पर जमा हो रहा है जी, कैथोड पर जमा हो रहा है, और एनोड धीरे धीरे पतला होता जाता है, और एनोड के अब यहाँ से जब जिंक जाएगा तो ये तो पतला होगा ही, तो एनोड पतला होता है लेकिन कैथोड क्या होता है जी, हेवी होने लगता है। तो यहाँ से समझ सकते हैं कि विद्युत लेपन भी क्या है जी, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत लेपन से ही क्या है जी, हमने क्या किया कि जो आयरन जो रस्टिंग कर रहा था, जो आयरन रस्टिंग कर रहा था उसने हमको क्या किया, सेव कर दिया हमारे मेटल को, हमारे लॉसेज को क्या किया, प्रिवेंट किया, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद्युत लेपन। बात करते हैं किरचॉफ लॉ की, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। अब यहाँ से हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज इन सब बातों को ध्यान दीजिएगा, और इससे न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन बनेंगे। मैं बता दूं मैं न्यूमेरिकल पे ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ इन सब टॉपिक पे, क्योंकि न्यूमेरिकल जो पूछना है इन्हीं से पूछना है, जहां जहां मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा वहां न्यूमेरिकल जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको ये इलेक्ट्रिसिटी तो फर्स्ट स्टेज में नहीं था लेकिन सेकंड स्टेज में दिया गया है, तो प्लीज इससे न्यूमेरिकल बनेगा और इसको ध्यान से पढ़िए। तो किरचॉफ ने दो लिए नौ लिए थे, किरचॉफ ने दो लिए थे, एक तो किरचॉफ करंट लॉ था, उसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, नोड लॉ भी बोलते हैं, और एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ था, एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ था जिसको केवीएल या लूप लॉ बोलते हैं, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या था जी, ये भी पूछ सकता है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या है, तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या था जी, किरचॉफ करंट लॉ या जंक्शन लॉ या नोड लॉ। बोल रहा है देखिए केसीएल समझते हैं, देखिए दोनों लोगों को समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इसी दोनों लॉ से करेंगे, केसीएल से और केवीएल से करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और न्यूमेरिकल बनने के चांसेस यहाँ से है। अगर आपको न्यूमेरिकल समझना है तो इससे कोई दूसरे टॉपिक से नहीं रिलेशन है, लेकिन प्रीवियस में जो मैंने न्यूमेरिकल जो रेजिस्टेंस से करा रखा है, सीरीज पैरेलल का कम्बिनेशन कराया है, उसमें हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। बात करते हैं केसीएल, जंक्शन लॉ और नोड लॉ। इस नियम के अनुसार किसी खुले परिपथ में, बोला है कोई खुला क्या है जी, सर्किट है, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि नोड पर मिलाने वाली समस्त धाराओं को बीजीय योग शून्य होता है। बोल रहा है कि देखिए ये क्या सर्किट है, बहुत सर्किट है, ओपन है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी करंट आ रहा है, जो भी करंट आ रहा है उसका बीजीय योग, बीजीय योग का मतलब क्या है जी, साइन के साथ योग करेंगे, साइन के साथ योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य होता है। ये बोलना चाह रहा है कि अगर करंट यहाँ आ रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है, इसी करंट आ रहा है, ये भी करंट आ रहा है, इसका बीजीय योग करेंगे तो क्या मिलेगा, जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है जी, ये क्या है, बीजीय योग है, साइन के साथ करना है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक करंट ए आ रहा है, एक करंट क्या आ रहा है जी, बी आ रहा है, यहाँ से करंट क्या हो रहा है जी, सी जा रहा है, इधर जा रहा है, देखिएगा एरो सही से ध्यान दीजिएगा, ए आ रहा है, ये क्या है, फिर से यहाँ से करंट, ये जंक्शन है, ठीक है ना, ये जंक्शन है,
यहाँ से करंट जा रहा है, तो ये मेरा डी है। तो अगर बात की जाए तो हम मान लेते हैं कि जो यहाँ पे करंट आ रहा है क्या है, पॉजिटिव है, तो ए आ रहा है, बी आ रहा है, तो पॉजिटिव होगा, ए प्लस बी पॉजिटिव, सी जा रहा है तो माइनस सी होगा, डी भी क्या है जी जा रहा है तो माइनस डी होगा, बराबर 0। तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, सी प्लस डी हो जाएगा, बीजीय योग है जी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बीजीय योग है। तो हमने क्या किया कि जो भी करंट आ रहा है हम पॉजिटिव मान लें, जो जा रहा है उसको निगेटिव माने, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही माने, कन्वेंशन उल्टा भी ले सकते हैं, लेकिन कोई इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ अब की बार, लेकिन इसके बाद इसको डिस्कस नहीं करेंगे जी। देखिए, हमने करंट माना कि ए आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है, सी और डी जा रहा है करंट। तो हम अगर मान लेते हैं आने के लिए निगेटिव ले लेते हैं, आने के लिए निगेटिव हुआ माइनस ए माइनस बी, जाने के लिए क्या हो जाएगा, तो सी और डी क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी हो जाएगा आंसर। तो इक्वेशन सेम बना ना, तो इक्वेशन सेम बना तो हम कह सकते हैं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमको ये समझना है कि हम इसको नहीं लेंगे, हम इसी को लेंगे कन्वेंशन को, या इस कन्वेंशन को लेकर चलेंगे, तो हमको जो रिक्वायरमेंट होगा हम उसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा यही एक लॉ है। तो ये क्या था जी, केसीएल लॉ था, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ का प्रथम लॉ भी बोलते हैं। जंक्शन लॉ इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक जंक्शन पे क्या है, सारे करंट आके मिल रहे हैं, उसको जंक्शन लॉ बोला है। नोड लॉ क्यों बोला है, क्योंकि नोड क्या होता है जी, जब जो वायर कभी कहीं भी मिलता है उसको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, और दो से ज्यादा मिले तो क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। तो इसीलिए नोड लॉ भी कहा जाता है, जंक्शन लॉ भी कहा जाता है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है, और केसीएल कहा जाता है, क्योंकि एक करंट पे डिपेंड है, ठीक है जी। तो इसी को इसने छः छः करंट ले रखा है, और छः के इसने इक्वेशन दिखा रखा है। यहाँ पे बात करें तो देखिए, यहाँ पे करंट आई ए आ रहा है, आई बी क्या है जी आ रहा है, आई ई क्या है आ रहा है, आई एफ क्या है जी आ रहा है, जाने में क्या है, सी और डी क्या है जी जा रहा है, तो सी और डी के बराबर हो गया, इसी को इसने लिख रखा है इक्वेशन में, ठीक है जी। पहला एग्जाम्पल इसमें लिया है, पहला एक एग्जाम्पल छोटा सा ले लेते हैं, उसके बाद केवीएल का डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने एक जंक्शन पे लिया है, 12 एम्पेयर करंट आ रहा है, यहाँ पे I3 करंट जा रहा है, यहाँ 10 एम्पेयर करंट आ रहा है, यहाँ पे 30 एम्पेयर करंट जा रहा है, यहाँ 20 एम्पेयर करंट जा रहा है। तो हमको क्या करना है, आने वाले करंट जाने वाले करंट के बराबर है। देखिए, हमने जो यहाँ पे लिखा था ए और बी क्या है जी, ए और बी आ रहा है, सी और डी जा रहा है, तो आने वाला जाने वाले के बराबर है, जितना करंट आएगा उतना ही तो जाएगा ना, जितना करंट आएगा उतना ही तो जाएगा। तो इसलिए क्या, आने वाला करंट कौन कौन सा है देख लेते हैं, आने वाला क्या है जी, तो 12 एम्पियर का करंट आ रहा है, 10 एम्पियर का करंट आ रहा है, और बस, और I3 के बारे में हमको पता नहीं है आ रहा है कि जा रहा है, ठीक है जी। तो हम मान लेते हैं कि I3 भी क्या है आ रहा है, I3 भी क्या है करंट आ रहा है जी, ठीक है। तो 12 एम्पियर करंट आ रहा है, I3 भी आ रहा है, 10 एम्पियर करंट आ रहा है, और जा कौन कौन सा रहा है, तो 20 एम्पियर और 30 एम्पियर, 20 एम्पियर 30 एम्पियर। तो देखिए, I3 यहाँ से निकालेंगे 50 एम्पियर, और इसको -22 करेंगे तो 28 एम्पियर। तो 28 I3 क्या आएगा, पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या है जी, I3 आ रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे KCL का एक एग्जाम्पल पढ़ा था, और I3 निकालने की कोशिश किया था, ठीक है जी। अगला बात करते हैं तो KVL, अगर KVL में डाउट है तो फिर से आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए और दोबारा इसे देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि KCL और KVL की हाजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि KCL और KVL में डाउट हो जाएगा तो प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। बात करते हैं किरचॉफ का सेकंड लॉ, तो बोलता है किरचॉफ का द्वितीय नियम, या किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या लूप लॉ। अब इसको लूप लॉ इसलिए बोला जाता है कि लूप में मूव करते हैं हम लोग, वोल्टेज कैलकुलेशन के क्या करते हैं जी, लूप में मूव करते हैं, इसलिए हम लोग इसको केवीएल बोलते हैं। तो यही केसीएल का क्या है, सेकंड लॉ है, या केवीएल है जी, ठीक है ना। तो बात करते हैं, बोल रहा है किसी बंद परिपथ में, या किसी विद्युत परिपथ में, किसी भी क्लोज लूप, क्या है जी, एक क्लोज लूप है, किसी बंद परिपथ में, ये क्लोज है, बंद परिपथ है, किसी विद्युतीय परिपथ में, किसी भी क्लोज लूप में मिलने वाले समस्त वोल्टेज का बीजीय योग शून्य होता है। तब यहाँ की इसके क्रॉस वोल्टेज, इसके क्रॉस वोल्टेज, इसके क्रॉस वोल्टेज, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा जी, उसका बीजीय योग क्या होगा, शून्य होगा, यानी प्लस माइनस हमको ध्यान रखना है जी। एक लूप ये भी है, इसके क्रॉस वोल्टेज, इसके क्रॉस वोल्टेज, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा जी,
शून्य होगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि ये भी लूप बना रहा है, ये भी लूप बना रहा है, ये भी लूप बना रहा है, एक ए भी लूप बना रहा है। तो कोई भी हो, जब भी लूप होगा हम क्या लगाएंगे? केवीएल लगाएंगे। लूप हमेशा बंद परिपथ में होता है। मेष एक ऐसा बंद परिपथ है जिसके अंदर कोई दूसरा बंद परिपथ नहीं है। मेष एक ऐसा बंद परिपथ है जिसके अंदर कोई दूसरा परिपथ नहीं होता है, उसे मेष कहते हैं। देखिए, मेष और लूप में थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि मेष के अंदर कोई और दूसरा क्लोज लूप नहीं बन सकता है, लूप कहीं भी बन सकता है, ठीक है ना। सारा मेष लूप, मेष और लूप होगा, लेकिन सारा लूप मेष नहीं होगा। बोलिए, सारा मेष बोल रहा है लूप हो सकता है जी, लेकिन सारा लूप मेष नहीं हो सकता है जी। सारा लूप, क्योंकि लूप के अंदर मेष हो सकता है, लेकिन मेष के अंदर लूप नहीं हो सकता है, इसलिए क्या है जी, सारा मेष लूप हो सकता है। यही बात लिखा हुआ है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये हमको इतना याद करना नहीं है जी। बात करते हैं हम लोग केवीएल का, इंपॉर्टेंट है जी टॉपिक, आप इसको ध्यान रखिएगा। इस टॉपिक को समझने की जरूरत है कि क्योंकि न्यूमेरिकल जो भी बनेगा इसी टॉपिक से बनेगा हमको। उपरोक्त चित्र देखिए, यहाँ पे एक सर्किट बना कर रखा है, आर वन ये है, ये आर वन है। शायद यहाँ पे थोड़ा सा जूम करने की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा रुकिए, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये मेरा आर वन है, ये मेरा आर फाइव है, ये मेरा आर टू है, आर थ्री है, आर फोर है, ठीक है जी। आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरा आर वन है, ये मेरा आर टू है, मेरा आर थ्री है, आर फोर है, आर फाइव है, ठीक है। इसमें करंट दिखाया गया है आपको, आई फाइव दिखाया गया है, फाइव वाले रेजिस्टेंस में आई फाइव दिखाया गया है, फोर वाले में आई फोर दिखाया गया है, थ्री वाले में आई थ्री दिखाया गया है, वन वाले में आई वन दिखाया गया है, टू वाले में आई टू दिखाया गया है। यहाँ पे एक बैटरी लगा रखा है जी, एक बैटरी लगा रखा है। हम लोग केवीएल पढ़ रहे हैं, केवीएल कब लगता है जी? लूप में लगता है। किस में लगता है? लूप में लगता है। तो देखिए, एक इक्वेशन बना रखा है यहाँ पे, इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए, आई वन आर वन चलते हैं, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। आई वन आर वन, इसमें हमने यहाँ से स्टार्ट किया, आई वन आर वन, आई टू आर टू, आई टू आर टू कहाँ है जी? यहाँ पे देखिए, आई टू आर टू, हम देखिए करंट की डायरेक्शन में जब भी जाएंगे क्या हो जाएगी जी, यहाँ करंट की डायरेक्शन में जब भी जा रहे हैं देखिए घट रहा है, तो आई वन आर वन ये भी घटा, तो माइनस के साथ इसने प्लस लिया घटाने को, ठीक है। हमने ऐसे लूप लिया है जी, आई टू आर टू, हमने इधर जाएंगे तो वोल्टेज घटेगा, ये भी घट रहा है, ये भी घट रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक सेम साइन रहेगा। आई थ्री, यहाँ से ऐसे हमने सर्किट में मूव किया है जी, ऐसे, ठीक है, हमने ऐसे सर्किट में मूव किया है, तो क्या है, आई वन आर वन, आई टू आर टू, आई थ्री आर थ्री, आई थ्री आर थ्री, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा, जीरो, क्या हो जाएगा, बराबर जीरो, ठीक है। दूसरा आते हैं, ये वाला लूप एक लिया गया है, ये वाला, ठीक है जी। इस वाले लूप में देखिए क्या है, यहां से आप देख सकते हैं आई फोर आर फोर, चलिए इसने ऐसे मूव न करके,